हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजन जायका किचन। आज हम परवल की रेसिपी लेके आए हैं। अगर आपको परवल खाना पसंद है और सब्जी के साथ साथ अगर परवल की आपको मिठाई मिल जाए और वो भी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल और बिल्कुल मार्केट जैसी बने, दिखने में भी और खाने में भी, तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे कुछ टिप और ट्रिक के साथ आपकी भी ये परवल की मिठाई परफेक्ट बनेगी। तो आइए इसे बनाना शुरू कर। तो सबसे पहले मैंने परवल लिए हैं, तो ये आधा किलो परवल है। सारी चीज़ें इसी से मेज़र करेंगे, इसी के हिसाब से। तो बस इनको, परवल को हम छील लेते हैं। आप चाहे पीलर से छील लिए या नाइफ से, और छिलका इनका एकदम पतला ही हमें छीलना है। तो परवल सारे मैंने छील लिए हैं, तो इनमें कट लगा लेते हैं। और कट लगाने के बाद में इनका जो अंदर के बीज या जो गूदा होता है ना परवल का, वो हमें निकालना है। अगर आप इस तरह से निकालोगे तो टूट सकते हैं। तो बस हथेली और उंगलियों के बीच में परवल को रख के हल्का से इसको हम दबाएंगे ना, तो ये देखिए जगह हो जाती है, अपने आप ही थोड़ा सा परवल खुल जाता है। तो आसानी से इसका गूदा बाहर आप निकाल सकते हो, परवल भी हमारा टूटेगा नहीं। थोड़ा सा ये ट्रिक है, ये अपनानी पड़ेगी। तो बस सारे परवल इसी तरह से हम खाली कर लेते हैं, परवल हमारे इस तरह से टूटेंगे नहीं। तो देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी हमारा परवल टूटा नहीं है। हमें ये खाली करते समय बस इसका ये ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिक का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये खाली हो गया है। इसी तरह से सारे परवल खाली कर लेते हैं। तो परवल को अच्छे से 2 से 3 बार हम पानी में धो लेते हैं। ये हमारा पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर कलर, यानी कि मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इससे क्या है कि परवल का जो कलर है ना, वो अच्छा आएगा। तो बस कलर के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं पहले पानी में। इसके बाद इसमें परवल ऐड करेंगे। कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें परवल अपने ऐड कर देते हैं। और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इनको 2 से 3 मिनट ही हमें बस बॉईल करना है, क्योंकि परवल को ज़्यादा बॉईल नहीं करना। तो देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा इनको पलट देते जिससे कि सारे एक साथ कलर भी अच्छे से आ जाए और अच्छे से पूरे बॉईल हो जाएं। तो बस इस तरह से इनको घुमा देते हैं हम। तरह से इन्हें हमें 2 से 3 मिनट ही बस पकाना है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और केवल हमें 2 से 3 मिनट ही इन्हें हमें पकाना है। 3 मिनट हमारे लगभग हो गए हैं, पानी बॉयल हुआ था ना, उसके बाद ही हमने 3 मिनट इस तरह से इनको पकाया है। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये परवल को मैंने निकाल लिया है, यानी गैस पे से नीचे। तो देखिए ये परवल हम लेके जो कटा हुआ भाग है ना परवल का, ये तो इसको इस तरह से हम रख देते हैं, जिससे क्या कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो सारे परवल हम इसी तरह से रख देते हैं। ये तो परवल के लिए अब हमें चाशनी बनानी है। तो मैं 1 कटोरी भर के चीनी ले रही हूँ। तो 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी इसमें हमें पानी ऐड करना है। तो बस चीनी को अभी अच्छे से घुलने देते हैं पानी में, और उसको थोड़ा सा चला देते हैं चीनी को। तो ये 1/2 किलो परवल थे, उसी के हिसाब से हम ये चाशनी बना रहे हैं। तो लगभग ये मेरी 250 से 300 ग्राम करीब चीनी हमने ली है चाशनी के लिए। तो देखिए चीनी अच्छे से हमारी घुल चुकी है। तो अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ही केवल दूध ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, चीनी की जो डस्ट वगैरह होगी ना, तो वो सारी निकल आएगी। तो थोड़ा सा भी इसको पकने देते हैं दूध डालने के बाद। तो देखिए गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर अपनी आप ही ये डस्ट वगैरह है ना, ये आ जाती है। तो छलनी में इस तरह से इसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए परवल का देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया कलर आया है एकदम। तो ये जो इसका पानी है परवल के अंदर, इनको हम निकाल देते हैं। और ये चाशनी भी हमारी पककर तैयार है। तो इसको हमें चाशनी में सारे परवल डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम को मीडियम करके परवल इसमें डालने के बाद में इनको पकने देते हैं, जब तक के चाशनी से आधी नहीं हो जाती। परवलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे कि सारे एक साथ चाशनी में पक जाएंगे। और लगभग हमें ना 7 से 8 मिनट ही लगते हैं परवल को, यानी कि 2 से 3 मिनट हमने पानी में बॉईल किया था, और 3 से 4 मिनट में परवल को 4 मिनट करीब और हो गए चाशनी पकते हुए। तो इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो
तो बस गैस को ऑफ करके इनको 2 घंटे के लिए चाशनी में ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ये ठंडा भी हो जाएंगे और अच्छे से इनमें चाशनी और मिक्स हो जाएगी। तो आइए परमल के लिए मावा हम तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरा मार्केट वाला मावा है, तो आप चाहें तो इसको कच्चा भी भर सकते हो, पर हम इनको थोड़ा सा भून के भरेंगे तो इससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो बस परमल को ज़्यादा नहीं भूनना, केवल इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, हल्का सा इसमें कलर आ जाए। तो ये खोआ को मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम करके ही भूना है, हल्का सा देखिए कलर भी आ गया, इसका कच्चापन भी चला गया है। तो इससे ज़्यादा इसको नहीं भूना, इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मावा ये हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे चिरौंजी। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने काजू और बादाम लिए, जिनको मैंने 1/2 चम्मच घी डाल के थोड़ा सा इनको रोस्ट कर दिया है, क्योंकि इनके जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके अगर इस्तेमाल किया जाता है ना, इनका टेस्ट और मतलब डबल हो जाता है। तो बस इसमें मैंने ये काजू बादाम इसमें डाल दिए मैंने, इसमें कुछ पिस्ते चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच करीब पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप कम ही मीठा अगर पसंद करते हो तो आप मावा को फीका ही भर सकते हो। इससे क्या हुआ, चीनी डालने से ये है कि मिठाई आप 6 से 7 दिन तक आपकी आराम से फ्रिज में रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपने इसमें चीनी नहीं डाली तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा ये मिठाई नहीं चलेगी, क्योंकि मावा जल्दी ख़राब हो जाता है और गर्मियाँ भी हैं इस टाइम। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते। मैंने इसमें 1 चम्मच करीब चीनी ऐड की है पिसी हुई। आप चाहो तो जो मिश्री आती है ना, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो परमल की मिठाई बनती है तो उसमें मिश्री भी ऐड की जाती है। तो आप मावा हमारा तैयार है अच्छे से मिक्स होके। तो इस चाशनी में से 1 परमल का पीस लेंगे, इसमें से उस चाशनी अंदर भरी हुई है ना उसको निकाल देते हैं और मावा हम इसमें भर लेते हैं। मावा अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें भर सकते हो। तो बस बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई, अगर आपको परमल खाना पसंद है तो आप ये मिठाई भी बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो सारे परमल भरकर हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सारे परमल इसी तरह से भर के हम तैयार कर लेते हैं। सारे परमल हमने भर लिए, ये हमारी चाशनी बची है। तो आप इसका इस्तेमाल फेंके नहीं, आप इसको शिकंजी वगैरह में डाल सकते हो। तो ये सारे परमल भरकर मैंने तैयार कर लिए, आप इसको चांदी के बर्फ वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इस पर पिस्ते और ये ऑरेंज कलर फूड कलर की एक एक टिपकी यानी एक एक बिंदी लगा देती, इसे देखने में भी सुंदर हमारे परमल लगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत के साथ और बहुत ही आसान तरीके से कम खर्चे में आप ये परमल की मिठाई घर पर ही बना सकते हो। बहुत ही ईजी हमने इसको बनाया है और टेस्ट बिल्कुल आप जो मार्केट से लाते हो वही टेस्ट है इसका, परमल की मिठाई का बनता है। अगर आज का वीडियो पसंद आता है आपको या मज़ेदार सी रेसिपीज पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।